और पंजाब के सीएम भगवंत मान को शुक्रवार को तबियत बिगड़ने के बाद मोहाली के एक निजी हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, जहां पर उन्हें कार्डियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में एडमिट किया गया था, जहां पर कुछ टेस्ट उनके हुए हैं और पता चला है कि उनको एक गंभीर बीमारी हुई है। ये रिपोर्ट देख लेते हैं। पंजाब सीएम गंभीर बीमारी का हुए शिकार, भगवंत मान को हुआ रेयर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, लेप्टोस्पायरोसिस से पीड़ित पंजाब सीएम। आखिर क्या है लेप्टोस्पायरोसिस? पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान लेप्टोस्पायरोसिस नाम की गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। लेप्टोस्पायरोसिस को रेड फीवर के नाम से भी जाना जाता है। ये एक जीवाणु संक्रमण है जो बग लेप्टोस्पायरा के कारण होता है। दरअसल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के शनिवार को लेप्टोस्पायरोसिस से पीड़ित होने का पता चला। डॉक्टरों ने कहा कि उन्हें एंटीबायोटिक दी जा रही है। आम आदमी पार्टी के 50 वर्षीय नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को बुधवार को नियमित जांच के लिए फोर्टिस अस्पताल मोहाली में भर्ती कराया गया था। अस्पताल के बुलेटिन के अनुसार मुख्यमंत्री के सभी महत्वपूर्ण अंग पूरी तरह से स्थिर हैं। अस्पताल में भर्ती होने के समय ट्रॉपिकल बुखार का संदेह था और उनके ब्लड टेस्ट में लेप्टोस्पायरोसिस से पीड़ित होने की पुष्टि हुई। लेप्टोस्पायरोसिस एक रेयर और गंभीर बीमारी है जो लेप्टोस्पायरा नाम के बैक्टीरिया के संक्रमण से फैलती है। लेप्टोस्पायरा आमतौर पर गाय, घोड़े, कुत्ते, चूहे और सुअर जैसे कई जानवरों की यूरिन में पाया जाता है। शुरू में इसके लक्षण फ्लू जैसे होते हैं जो बाद में घातक बीमारी वेल सिंड्रोम में बदल सकते हैं। सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC के मुताबिक पूरी दुनिया में हर साल लेप्टोस्पायरोसिस के 10 लाख मामले दर्ज होते हैं और इनमें से 60,000 लोगों की मौत हो जाती है। हालांकि CDC का अनुमान है कि इस बीमारी के वास्तविक आंकड़े दर्ज आंकड़ों से कहीं ज्यादा हो सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अवेयरनेस कम होने के कारण ये अंडर रिपोर्टेड बीमारी है। आइए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं इस बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बारे में। लेप्टोस्पायरोसिस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। लेप्टोस्पायरा नाम का बैक्टीरिया ब्लड स्ट्रीम के जरिए शरीर के सभी अंगों को प्रभावित कर सकता है। ये बैक्टीरिया आमतौर पर जानवरों के आसपास काम करने से, नदी तालाब में नहाने या पानी पीने से फैलता है। इसके लिए ज्यादातर मामलों में तीन कारण जिम्मेदार: संक्रमित जानवरों के यूरिन या रिप्रोडक्टिव फ्लूइड के सीधे संपर्क में आना, दूषित पानी या मिट्टी के संपर्क में आना, दूषित भोजन करना या दूषित पानी पीना। चलिए अब नजर डालते हैं आखिर इस बीमारी के लक्षण क्या है। लेप्टोस्पायरोसिस, जिसे आमतौर पर रेड फीवर कहा जाता है, गंभीर मामलों में आंखों के सफेद भाग पीले दिखना, इससे फेफड़े प्रभावित होने पर सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, खांसी के साथ खून आना, किडनी प्रभावित होने पर यूरिन की मात्रा बहुत कम हो जाती है और काले रंग का यूरिन आता है, तेज बुखार और सिरदर्द, मांसपेशियों में क्रैम्प्स, ठंड लगना, मांसपेशियों में अत्यधिक दर्द, पीलिया, खांसी। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर लेप्टोस्पायरोसिस से आप अपना कैसे बचाव करें। लेप्टोस्पायरोसिस से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका दूषित पानी से दूर रहना। सुनिश्चित करें कि आपका भोजन चूहों से सुरक्षित स्थान पर रखा जाए। जानवरों के मूत्र से दूरी बनाए रखें, विशेषकर नदी या झरने में नहाते समय जहां जानवर तैरते हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतें। बीमारी के लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और बिना चिकित्सकीय सलाह के कोई दवा ना लें। चलिए अब बताते हैं कि आखिर इस बैक्टीरियल संक्रमण का इलाज क्या है। बैक्टीरियल संक्रमण का इलाज एंटीबायोटिक दवाओं से होता है। लेप्टोस्पायरोसिस के मामले में भी एंटीबायोटिक दवाएं दी जाती हैं। इसके संक्रमण को दो चरणों में बांटकर इलाज किया जाता है। संक्रमण हल्का होने पर कम डोज की दवाएं देकर लक्षणों पर नजर रखी जाती है। इसमें कई बार तो लोग बिना किसी ट्रीटमेंट के ही ठीक हो जाते हैं। गंभीर मामलों में पेशेंट को हॉस्पिटल में भर्ती करना जरूरी होता है और ड्रिप के जरिए एंटीबायोटिक्स दी जाती है। हालांकि लेप्टोस्पायरोसिस से ज्यादातर लोग बच जाते हैं। इसके ज्यादातर मामलों में तो कोई लक्षण ही नहीं दिखते हैं या बहुत
हल्के लक्षण होते हैं जो कुछ समय बाद अपने आप ठीक भी हो जाते हैं। इसके लक्षण फ्लू से इतने मेल खाते हैं कि लोग इसे फ्लू ही समझते रहते हैं। इससे संक्रमित सिर्फ 1% लोगों को ही गंभीर स्थितियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर समय पर ट्रीटमेंट ना किया जाए तो ये अक्सर घातक होता है। हालांकि समय पर इलाज मिल जाए तो ज्यादातर लोग ठीक भी हो जाते हैं। न्यूज डेस्क, जनता टीवी।